हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटा से लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू कर। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लिए हैं ये चावल का आटा। ये हमारा घर के बनाया हुआ है, होममेड है चावल का आटा। आप चावल के आटा बनाना चाहें तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको धो के कॉटन के कपड़ा पर सुखा कर इसको आप पीस के चावल के आटा बना सकते हैं। वैसे मार्केट में भी मिलता है, तो जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप चावल के आटा बना सकते हैं। यहाँ पर हम कढ़ाई में डाल देंगे चावल के आटा को। इसको हम लो मीडियम पर हम इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इसको बस कच्चापन निकालना है हमको, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस कच्चापन इसको निकल जाए उतना हमको इसको रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इसका नमी इसका निकल चुका है, कच्चापन निकल चुका है। अब इसमें हम डाल लेते हैं चम्मच, यहाँ पर हम घी डाल देंगे, चला लेंगे अच्छे से। यहाँ पर हमें आधा कटोरी हमें यहाँ पर नारियल का बुरादा ले लिए हैं, इसको इसमें डाल देंगे। अभी हम थोड़े देर के लिए भून लेंगे इसमें, इसका भी कच्चापन निकल जाए। दो चम्मच हम इसमें डाल देते हैं मलाई। आपके पास मलाई है तो आप मलाई डाल सकते हैं, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप बिना मलाई के भी बना सकते हैं। मलाई के नहीं बनाएंगे तो आप दो चम्मच इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसीलिए इसको हम डाल रहे हैं इसमें, इससे टेस्ट बढ़ जाता है लड्डू का। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट काटे हैं जिसमें बादाम है, काजू है और छोटा छोटा सा किशमिश को भी टुकड़े टुकड़े में काट लिए हैं, उसको भी हम डाल दिए छोटे टुकड़े में। सभी को हम मिला लेते हैं। इसमें हम आधा कटोरी इसमें हम शक्कर डाल देते हैं, ये पीसी हुई शक्कर है। मीठा आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने पसंद से। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम शक्कर को थोड़ा सा पिघला लेते हैं, इसमें शक्कर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना हम इसको चला लेते हैं। इसको हम उतार लेते हैं गैस से, गैस से बंद कर देते हैं गैस को। इसमें हम दूध डाल लेते हैं, ये गुनगुना दूध है, इसको हम पहले से गर्म कर चुके हैं, तो इसको हम डाल देंगे इसमें। 4 से 5 चम्मच इसमें आएगा दूध, इसको हम डाल कर और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर लेते हैं। देखिए ये हल्का ठंडा हो चुका है, ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करेंगे नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा। इसको हल्का ठंडा हम हाथ को ये सहने के लायक, देखिए इसको हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे। इसी तरह से हम सभी लड्डू को हम बना लेंगे। इसी तरह से हम सभी लड्डू को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सभी लड्डू बन के तैयार हो चुका है, तो अब इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा चावल का ये लड्डू बन के तैयार हो चुका है। देखिए ये बनाना भी आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए ये कितना अच्छा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार इसे आप जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।